नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने पर जिस तरह बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थकों ने बवाल काटा, उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की गई, जिस तरह राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, वो दिखाता है कि संसद में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो कितना सही था। राहुल गांधी ने जब ये कहा था कि बीजेपी वाले खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन दिन रात हिंसा फैलाने का काम करते हैं, तो पीएम मोदी और बीजेपी ने इसे पूरे हिंदू समाज का अपमान बता दिया था। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया था कि वो बीजेपी की नफरत की राजनीति पर बोल रहे हैं, और आज राहुल गांधी जब गुजरात पहुंचे तो बीजेपी समर्थकों ने इसे सही साबित कर दिया। कई हिंदूवादी संगठनों के नेता कार्यकर्ता जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हालात ये आ गए कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा। राहुल गांधी ने भी ऐसे प्रोटेस्ट पर और कांग्रेस कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई थी राहुल गांधी के बयान के बाद, उस पर जवाब दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी समर्थकों को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे हमारे ऑफिस पे धमका कर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हो, जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो, डरो मत, डराओ मत। और आग गुजरात से शुरू हुई थी, और आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। वहीं धर्म की राजनीति पर राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता अब धर्म की राजनीति को समझ गई है, इसलिए अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई और वाराणसी में पीएम मोदी हारते हारते बचे। आप क्या सोच सकते थे, मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे चुनाव से पहले, आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है, तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा, इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1,00,000 वोट से जीते, मतलब जान बचा के निकले हैं, सच्चाई है।
वहीं पीएम मोदी के बायोलॉजिकल वाले बयान को लेकर भी राहुल गांधी ने एक बार फिर कटाक्ष किया और कहा कि संसद में जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो लोकसभा स्पीकर भी बुरा मान गए थे। नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से तो अयोध्या कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द है, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? राहुल गांधी ने गुजरात में जीत का दावा तो किया, लेकिन यह भी माना कि कांग्रेस को अपनी कमियां दूर करनी होगी। राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया शादी वाले घोड़े का, और जो रेस वाला घोड़ा होता है उसका उदाहरण देते हुए राहुल गांधी क्या बोले, जरा सुनिए। अच्छा, अब मैंने गरोमत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है, यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है, जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए, और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं, वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरियसली करना है। तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि गुजरात में एक नई कांग्रेस को खड़ा किया जाएगा और पीएम मोदी बीजेपी को गुजरात में ही हराया जाएगा। आप राहुल गांधी के घेराव को लेकर क्या सोचते हैं? संसद में जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया था, उसके बाद जिस तरह हिंदुवादी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।